नॉर्मली ये होता है कॉप काउंटर एनीमोमीटर, जैसे कॉप होता है ना, देखें ये ऐसे घूमता है, ऐसे क्यों नहीं घूमेगा? क्योंकि सर जिस तरफ उसका फ्लैप है वो विंड उसी तरफ स्ट्राइक करता है। आपको पता है इक्वेटर कहाँ है? इक्वेटर ऊपर क्या बोलते हैं? नॉर्थन हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर। जो ऊपर हम लोग कहाँ है? नॉर्दर्न में। नॉर्दर्न में विंड का सब समय कैसे घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज। आप किसी विंड को लेके लगा दीजिए का साउथर्न हेमिस्फीयर में, वो घूमेगा सब क्लॉकवाइज। हमारा जो होगा उनका अपोजिट होगा सब। अच्छा, इसीलिए देखिए ना, जो साइक्लोन होता है ना, साइक्लोन पता है ना? नहीं जी सर। साइक्लोन होता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, वो घूमेगा क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। सेम साइक्लोन होता है साउथर्न में, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया तो साउथर्न में है ना, वो घूमेगा क्लॉकवाइज। हमारा जो साइक्लोन का हमारा डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज, उनका होता है क्लॉकवाइज। सेम चीज़ है, हर डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे, हम तो नॉर्दर्न है, हम तो साउथर्न में सीधा है। अभी देखिए ये वाला घूमता है कैसे मेजर करेंगे? सपोज ये आरपीएम ऑटोमेटिक तो अध्ययन हो गया, पहले मैनुअल सीखना होता है ऑटोमेटिक।